क्या पूछना है? लगा था नहीं तो ये लाइन लगी पड़ी मेरे पीछे जमुना पे कोई बैठ के क्रिया की थी। हाँ। किसने करा दी? इतने को लेने के लिए गए थे। वहाँ से तो भोज लिया है तू भाई। ये तो तेरे तो शरीर पूरा भारी होगा। क्या पूछना है बता दो। 10 तारीख की शादी थी। अब ऐसे से हो रहा है कम का ना रहा है। हाजिरी आने को हो रही है। बार बार शरीर भारी हो रहा है ना। दिमाग भारी हो चाटन लग रहा है। सो नहीं पा रहा होगा है ना। शरीर बाबा गर्म हो जाता होगा। इस पे भी आ रही लड़की का सब पे नाश्ता है कि जनाब सब पे। कौन मूर्ख ले गया तुम्हें जमुना जी? अच्छा वहाँ बैठे होंगे कुछ क्रियाएं की होगी। वो प्रेत की लाइन पूरी लग के पीछे आ गई। वो लड़की में तो दो बैठे पड़े हैं। इसमें एक बैठी पड़ी है। 10 तारीख की शादी। अब है 10 की शादी। अभी दीपक आप ही छोड़ दो। तू आ गया लड़की। क्या नाम है? प्रिया और मनोज। देख पूरा प्रेत खा के बस कर दे शरीर पे। मैं घर से ला रहा हूँ तो शरीर से साफ कर दे। और देख पीछे कुछ चीज़। पापा का नाम बताओ। भाई सोच समझ के जाया करो है। पता नहीं। जाके तुम बैठ जाते हो है। वो ले गया होगा पितरों की पूजा। पितरों की पूजा कोई जमुना जी पितरों की पूजा हो रही है क्या? सीधा साधे बच्चे चले गए दोनों लाइन लगा के लिए। कम से कम 12 प्रेत होंगे खड़े हुए। अब ये ना सो पा रहे ना जग पा रहे। दबाव देखो शरीर में कितना है। होशियार हो जाओ थोड़े। चेतन रहो। कान और आँख खुले रखा करो। कोई जो बोलता है सीधा हाँ मुंडी ला के चले मत जाया करो उसके पीछे। एक बार मेरे से पुष्टि करा लिया करो है ना। वही आदेश बता। अच्छे में ले गए थे। अब 10 तारीख को शादी है बेचारे की। पता लगे वो है उसमें भी बैठ गए चार। अब फिर बोलेगा भैया बनने दी। बंधन ला पूरा सा। अभी 5 मिनट में हल्का कर। हाँ अभी 5 मिनट में हल्का। कहाँ से आयो? क्या सोच के आ गया भाई? तीनों में जुड़ा रह गई। हटाना था बोला हटा। वीडियो देख के किसने बताया था? पहले भी तुम किस चौकी पर भी गया हुआ नहीं है तो हिला भी नहीं पाई। धन्य हो रहे ले जाने वालों। कौन था ले गया था? किसी ने बताया तो उनके पास फिर उनके साथ गए थे। अच्छा तो उन्होंने बोला पितर की पूजा करो। फिर वो पितर जमादार था। अरे भाई सुधर जाओ रे। क्यों आदमी का पागल बनाने में फिर रहे हो? जमुना जी अब नदी थोड़ी रही हो तो नाला बन गई है। लोगों ने सारी गंदगी वहाँ फेंक फेंक के बुरा हाल कर रखा है। सारा खुला पड़ा है। जिसको देखो जमुना जी से प्रेत उठा के ला रहा है। तो भाई प्रेत ही बचे हैं। देवता कहाँ गंदगी में आएंगे? साफ कर देते हैं मित्र मंगा देते हैं। दोबारा नहीं जाना ठीक है। और ऐसे किसी गलत आदमी के सहायक नहीं बनना। कभी भी कोई दिक्कत हो सीधा मेरे पास आना। कोई दिक्कत नहीं कहीं जाने की। घर में अपनी जोत बत्ती करो साधारण ठीक है। ना किसी को बुलाना ना भिजवाना ठीक है। अच्छा आदमी कोई करता नहीं। गलत सारे करने के लिए तैयार है। आपको बार बार बुलाने के लिए बार बार आप पे क्रिया की जाती है। एक भला आदमी किसी के पास जाता है जैसे मेरे पास आए हो। अब मैं तुम्हें बार बार बुलाने के लिए प्रेत छोड़ूंगा तो ये मेरी समझदारी थोड़ी है? अब मैं प्रेत होके इतना समझदार हूँ तुम इंसान होके इतने मूर्ख हो? और सही काम करे ना लोग मेरे जैसा तो ये दुकान ना चले इनकी। ये जो गलत कर रहे हैं इनकी बंद हो जाए दुकान। क्योंकि मैं तुरंत पहचान बताता हूँ। 2 मिनट के अंदर आदमी खुला सा। पांच किलो नींबू बताए थे
डर तो रहेगा आदमी के मन में कि भाई गलत काम नहीं करना। सही करने वाला कौन है भाई, सब गलत करने के लिए बैठे हैं। थोड़ा सा पैसा दो मारण करा लो, थोड़ा सा पैसा दो बीमार करा लो, अपाहिज करा लो, चल रहा है काम, खुले में बिठा देते। आपका आर्थिक खराब है सरदार जी, इसलिए पांच ही करा रहे, समझ गए? आ जाओ, आने वाले समय में नींबू भी कराना बंद कर देंगे, बिल्कुल मुफ्त इलाज करेंगे। जाओ मौज लो। उतार दिया ना, और कुछ तो नहीं पहन रखा गले वाले में, हटाओ हटाओ। माता जी का कुछ नहीं है ना? माता जी प्रार्थना कर दे, कोशिश करेंगे हफ्ते भर में आ जाए, ठीक है? एनर्जी लगाइए, ताकत हो, भाई भी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। देखो उसको चाकू भैया, ये छोटा है, करेगा नहीं। देखो तो कुछ छोटा है, वो चाकू चाकू दिया अमित, अमित गर्दन काट दे इसकी। अभी लगेगा समय, घर जाके जाप करना, एक चक्कर और लगा जाना, ठीक है? खुल जाएगी, बुलाएंगे तो आ जाएंगे, अगले शनिवार या इतवार आ जाएंगे। कर देगा वो, थोड़ा पीछे होगा।